Good morning to all of you. I am Chandraban, Assistant Plant Protection Officer, working at CIPMC Jalandhar Central Integrated Pest Management Center. देखिए, हम आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक होगी भी आप लोगों को. एक ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जो कि यानी कि बात करें तो इसका इतना प्रॉफिट है फार्मर्स को, और वो कैसे आपको फ़ायदा देता है उसके बारे में हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे. तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ ट्राइकोग्रामा के बारे में. ट्राइकोग्रामा जो कि एक एग पेरास्टोइड है, अंड परजीवी. ये क्या करता है, ये आप कह सकते हो कि फार्मर का फ्रेंड है. यानी कि हम इसको क्या करेंगे, खेतों में जब इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी वहाँ पे पेस्ट हैं उन पेस्ट को कैसे कंट्रोल करता है, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे. तो देखिए, ये जो ट्राइकोग्रामा है इसको सबसे पहले हम बताते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं. तो इसके लिए एक होस्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ऐसे पोषक की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर ये सर्वाइव करता है. ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता है, एग पेरास्टोइड. तो इसके लिए मतलब कि एक ऐसे होस्ट हमें चाहिए जो कि एग प्रोड्यूस करता है, और उसके अंडों पे इसको कैसे रेयर करते हैं, कैसे पालते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे. तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, होस्ट की बात करें तो इसके लिए जो होस्ट है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं राइस मोथ को, क्योंकि देखिए आप सबने इसके बारे में सुना भी होगा, कोर्साइरा सिफिलोनिका. तो देखिए, कोर्साइरा एक ऐसा होस्ट है जिसको बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट के लिए एज ए होस्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका कारण एक ये भी है कि इसको आप इजीली रेयर कर सकते हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है रेयर करना, और किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हो. तो ये कोर्साइरा हमारे लिए कैसे काम आएगा, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, एक एक करके हम बात करेंगे. तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं लेबोरेटरी में, जहां आपको ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. जी चलिए. तो देखिए, हम आ चुके हैं लेबोरेटरी के अंदर. यहां हमने हमारी ज़रूरत की वो सारी चीज़ें रखी है जो हमें चाहिए इसके लिए. तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हमें चाहिए फीड. ठीक है, ये फीड देखिए हमने मेज़ ले रखा है. ये फीड आप कोई सा भी ले सकते हो अपने सुविधा के अनुसार, यानी कि मेज़ को आप रिप्लेस कर सकते हो, आप यहाँ पे जो है सोरगम ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो. इसको क्या करना है, मेज़ को किसी भी जो ग्रेन को क्रश करता है उससे आपको क्रश करवा लेना है, यानी कि एक जो ग्रेन होता है वो 2 से 3 टुकड़ों में टूट जाए, हमें ऐसा ग्रेन चाहिए. इसके बाद देखिए, जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये केज. ठीक है, ये कोर्साइरा केज है, ये केज हमें चाहिए. ये केज कैसे, इसके अंदर देखिए हम फिल करेंगे, ये जो ग्रेन है ये इसके अंदर फिल करते हैं, उसके बाद जो हम एग्स वगैरह इसमें डालते हैं. और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ. हमें एक ईस्ट पाउडर चाहिए, ठीक है, जो कि इनके लिए पोषक का काम करेगा. इसके लिए इनको थोड़ा सा है ना फीड के तौर पर देंगे. इसके अलावा ये एग्स हैं, जो कोर्साइरा के एग्स है, कोर्साइरा सिफिलोनिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एग कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी प्रोसीजर हम आपको बताएंगे. तो देखिए, केज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ, ये हम कर रहे हैं कोर्साइरा को प्रोड्यूस करने के लिए. यानी ये वैसे देखा जाए तो ये एक हानिकारक कीट है, किसान को ये नुकसान करता है, लेकिन लेबोरेटरी में हम इसको एज ए होस्ट पाल रहे हैं ताकि इसके ऊपर हम अपना जो एग पेरास्टोइड है ट्राइकोग्रामा उसको रेयर कर सकें. तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरीके से केज लेने हैं और ये फीड लेना है. इसको ध्यान रखें कि यूज़ करने से पहले इसको हम ओवन में रखेंगे. ओवन के अंदर लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपको इसको 30 से 40 मिनट तक रखना है. ताकि इसका रीज़न क्या होता है, मान लीजिए ये मेज़ आप कहीं से लेके आते हो, ग्रेन कहीं से लेके आते हो सकता है इसके अंदर कोई कंटेमिनेशन हो, कोई पहले से कोई ऐसा कीट हो या दूसरा कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हो. और इसी के साथ साथ ये केज जो है, इन केज को भी हम उसके अंदर रखेंगे, ठीक है, ओवन के अंदर, ताकि इसके अंदर भी अगर कहीं छुपे हुए जो भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो सारे ख़त्म हो जाए. यानी कि एक तरीके से स्टरलाइज करेंगे इसको. अब क्या करेंगे, देखिए ये करने के बाद ये जब ठंडा हो जाए, हमने ऑलरेडी इसको करके रख रखा है ओवन के अंदर आपको दिखाने के लिए. अब देखिए, जब ये ठंडा हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे. इसको हम ये जो बॉक्स है इसके अंदर डाल लेंगे. ये ध्यान रखना है आपको कि एक बॉक्स के अंदर लगभग 2.5 किलोग्राम आपको जो है ये ग्रेन डालने हैं, लगभग 2.5 किलोग्राम. ठीक है, इसी तरीके से हम आपको 3 केज एक साथ बना के दिखाएंगे. तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रेन्स डाल लेता हूँ.
तो देखिए इस तरीके से हमने ये तीनों जो केज है इनके अंदर ग्रेन्स डालिए हैं। अब ग्रेन्स डालने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि ये फीड डाल लिया है, इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा पानी इसको नमी देने के लिए। इस थोड़ा सा पानी से क्या करेंगे, इस फीड को नम करेंगे क्योंकि ड्राई होता है। तो आपको इस पे थोड़ा सा पानी जो है इसको मॉइस्चर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लिया है। अब क्या करेंगे, पानी डालने के बाद इसको आपको मिक्स कर लेना है। पानी जो है ये पूरे ग्रेन के अंदर यानी कि इक्वल नम हो जाए सारे के सारे जो फीड हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ मल्टी विटामिन्स मिक्स करने हैं और इसके साथ ये जो ईस्ट पाउडर है इसको मिक्स करना है ताकि ये इनको, ये फीड के अलावा एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो इनको मिलते रहें। ईस्ट पाउडर है ये, देखिए इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो ये इतना हो गया, हमारा फीड जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एग्स डालेंगे, जो कोर्सेरा है कोर्सेरा के एग्स डालेंगे। हमने ऑलरेडी देखिए ये वाइल्स के अंदर रखे हुए हैं एग्स। इन एग्स को क्या करेंगे, इनके ऊपर यूनिफॉर्मली डाल देंगे। इस तरीके से सिंपली आपने बस इसके ऊपर इन एग्स को डाल देना है। ये एग्स जो है आपको यूनिफॉर्मली इस तरीके से डाल देने हैं। एग्स में ध्यान रखना कि हमें लगभग 0.5 cc जो एग्स है वो पर केज डालने होते हैं। 0.5 cc, 1 cc जो एग होते हैं उसके अंदर लगभग, 1 cc अगर बात करें क्वांटिटी तो उसके अंदर लगभग 18 से 20 हज़ार अंडे होते हैं, यानी कि आपको लगभग 10 हज़ार के आसपास अंडे जो है वो पर बॉक्स के अंदर डालने हैं। जी देखिए ये अंडे हमने डाल दिए हैं, अब ये काम हमारा पूरा हो चुका है। अब क्या करना है, आपको सिंपली इनको अच्छी तरीके से ढक्कन से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया है।
अब इन बॉक्स को हम एक अच्छे टेम्परेचर पे, क्योंकि देखिए मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए 25 से 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो क्या करेंगे हम, इसको रूम टेम्परेचर को हमें हमेशा मेंटेन रखना, क्योंकि देखिए अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो यहाँ आपको हीटर की, जैसे कि यहाँ बैकग्राउंड में मेरे हीटर चल रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ हीटर ज़रूर लगाना है ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब इन बॉक्सेस पे क्या करना है, हमें एक लेबल लगाना है इस बॉक्स पे, यहाँ कोई भी आप एक कागज़ का लेबल लगाना है जिसके ऊपर ये लिखना है कि ये किस डेट को बनाए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इनको इनको जो हम हैं इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ बैकग्राउंड में मेरे देख सकते हैं, या देखिए मेरे बैकग्राउंड में ये जिस तरीके से केज रखे हुए हैं, इस तरीके से हम इन केज को यहाँ रख देंगे अलमीरा में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये केज बन के अब क्या होगा, लगभग 15 दिन बाद इनमें सेटिंग बनने लग जाएगी, यानी कि ये जो है धीरे धीरे एग्स हैं इनमें से लार्वा निकलेंगे, और लार्वा निकलने के बाद वो लार्वा बड़े होते रहते हैं, और लगभग 1 महीने बाद आपको ये, जिस डेट को आप केज बनाते हो, लगभग 1 महीने बाद आपको इसमें से एडल्ट कीट, प्रौढ़ कीट जो है वो इसमें से निकलने लग जाते हैं। अब उन प्रौढ़ कीट जो है उनको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं एक जगह पे, कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उनसे एग प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि इनका लाइफ साइकिल चलाते हैं हम। अब देखिए एग प्रोड्यूस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या करेंगे देखिए, ये केज तो हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑलरेडी मेरे पास केज बने हुए हैं, पुराने केज जिसके अंदर एडल्ट आ रहे हैं, ये केज जो सेम केज है जो हमने पहले बनाया था, अब इसके अंदर एडल्ट आ रहा है। इसको एडल्ट को हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम के थ्रू, देखिए ये हर जगह अलग अलग होता है, हम यहाँ मेरी जो लेबोरेटरी की बात करें तो हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ जो होते हैं वो ट्यूब से भी इनको पकड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक जो है मशीन की, यानी कि वैक्यूम, ये वैक्यूम मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखाना, ये वैक्यूम है, देखिए यहाँ पे बाल्टी को रखेंगे, बाल्टी के ऊपर यहाँ एक छेद बना हुआ है जिसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ था, ये मैंने निकाल दिया है, इस पाइप को यहाँ रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अभी हम, मैं इस मशीन को चालू कर देता हूँ, देखिए ये मशीन मैंने चालू कर दी है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से जो है ये वैक्यूम करता है, इससे हम क्या करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मास्क जरूर लगा लेना है, अब इसमें कलेक्शन कर लेते हैं, देखिए हम इनका, देखिए इस तरीके से एक एक करके हम सारे जो बॉक्स है उसको इसके अंदर हम जो है ये करेंगे, इनको कलेक्ट करेंगे बाल्टी के अंदर। तो देखिए हमने ये कलेक्शन कर लिया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए इसको कलेक्शन करने के बाद ही आपको दिखा रहे हैं, ये कलेक्शन मैंने कर लिया है। अब देखिए हम वापस क्या करेंगे, ये जो भी हमने बना रखा है इसके ऊपर का ढक्कन, इसको लगाएंगे वापस। अब देखिए अब आप देखोगे इसके अंदर एडल्ट्स जो है वो सारे आ चुके हैं, ये आपको आसानी से दिख जाएंगे, इसके अंदर ये सारे एडल्ट जो हैं हमने इनको कलेक्ट कर लिया है। ये देखिए बाल्टी जो होती है ये एक स्पेशल तरीके से तैयार की जाती है, यानी कि देखिए इसको, ये अलग अलग जो लेबोरेटरी होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। हमने यहाँ पे देखिए इसके दो साइड में ये लगा रखी है जाली, इसके अलावा नीचे आप देखोगे इसके, तो इसके नीचे भी ये मैश लगी हुई है, जाली लगी हुई है। इससे क्या होता है, अब हम इसको रखेंगे, देखिए ये खाली आप किसी भी बॉक्स में रख सकते हो, जिसके ऊपर आपको एक वाइट पेपर लेना है, इसके ऊपर हम इसको इस तरीके से रख देंगे। अब क्या होगा, देखिए ये 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ये एग लेइंग स्टार्ट कर देंगे, और इसके जो एग्स हैं वो यहाँ इसके अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, इन एग्स को, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इन वाइल्स के अंदर जो एग थे, तो इन अंडों को हम क्या करेंगे,
कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इन वाइल्स में वापस डाल लेंगे। ठीक है, तो ये सेम प्रोसीजर हो गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। मास्क का ध्यान रखना इसमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं, जब ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके बहुत फाइन स्केल्स होते हैं, ये जो बल्कि हल्की धूल सी होती है, ये अगर आपके सांस के साथ चली जाती है तो कुछ दिक्कत भी आपको हो सकती है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और है, जो हनी, ये मैंने ऑलरेडी इस पर लगा रखा था। हनी को क्या करना है हमें, ये जो कॉटन पड़ा हुआ है देखिए, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है, उसके अंदर ये देखिए हनी जो है, इस हनी को इस कॉटन के ऊपर लगाना है और फिर इसको इस बाल्टी के अंदर की साइड में लगाना है। यह मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। उससे क्या होगा, ये जो एडल्ट हमने इसके अंदर रखे हैं उनको फीड करने के लिए थोड़ा बहुत जो है भोजन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए 24 घंटे के अंदर लगभग ये एग लेइंग स्टार्ट कर देंगे, फिर हम इनके जो एग्स हैं वो जैसा कि मैंने बताया कि वाइल्स के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। अब ये एग्स जो है ये हमारे काम आएंगे ट्राइकोग्रामा के लिए। वो कैसे काम आएंगे, उसके लिए हम चलते हैं ट्राइकोग्रामा लैब में, जहाँ आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे ट्राइको कार्ड बनता है और आगे की प्रोसीजर क्या है। चलिए चलते हैं। देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं जो हमारी ट्राइकोग्रामा लैब है। अब देखिए इसके अंदर हम जैसे बात कर रहे थे, ये जो वाइल है इसके अंदर वो एग है जो कोर्सेरा, जिसकी हमने अभी प्रोडक्शन की बात की है, जो एक महीने बाद मैंने बताया था कि एडल्ट आने लग जाएंगे, वो एग लेइंग करेंगे, तो वो एग्स हमने कलेक्ट करके इसके अंदर रख रखे हैं। अब देखिए आगे का प्रोसीजर क्या है, ये तो था जो हमारा होस्ट है उसको प्रोडक्शन करने का, उससे एग लेइंग प्राप्त करने का। अब देखिए इससे क्या होगा, जो एग्स हमें प्राप्त हुए हैं हमें क्या करना है, इनको देखिए इस तरीके से, ये एक कार्ड है जिसको हम अभी ट्राइको कार्ड बनाएंगे, ये खाली पेपर का एक कार्ड है। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ की अगर बात करें तो 15x7.5 सेंटीमीटर का होता है, उसको फिर छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो है इस तरीके से ये एक स्ट्रिप है, तो देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये क्या करेंगे, ऐसे एक कार्ड लेना है हमें, उसके बाद ये देखिए गम है, हमें क्या करना है इसके ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से ये गम लगाना है। ये गम लगाते टाइम ध्यान रखना है आपको, गम की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम इन द सेंस कि अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे जो एग्स हैं वो इसके अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक एग्स होते हैं और अगर एक बार इसके अंदर ज़्यादा डूब जाते हैं एग्स तो फिर उनमें से इमर्ज होना, या बात करें नया जो हम चाह रहे हैं कि इंसेक्ट निकले, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखें कि एक पतली जो है बस एक हल्की सी गम की लेयर होनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर वो लगा लिया है गम। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्यान रखना छलनी की सहायता से, ये एक सीव है छलनी है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये जो एग्स हैं इनको इस पे यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड कर देंगे। तो ध्यान रखना है स्प्रेड करते टाइम नीचे एक कोई भी आपको एक कागज़ का टुकड़ा रख लेना है, ताकि आसपास जो अंडे गिरे उनको वापस आप अपने काम में ले सको। तो देखिए ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो एग्स हैं हमारे वो यूनिफॉर्म तरीके से इसके ऊपर लगा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये एग्स हो गए, अब इन एग्स को आपको क्या करना है, यूवी ट्रीट करना है। यूवी लाइट से ट्रीट किया जाता है लगभग 30 मिनट के लिए। अब देखिए ये क्यों किया जाता है, इसका रीज़न ये रहता है कि अभी तक ये एग्स जो है हमारे, ये कोर्सेरा के एग्स है, अगर इसके अंदर से लार्वा निकलेगा तो वो कोर्सेरा का निकलेगा। तो हमें क्या करना है कि इसको, ये यूवी लाइट की मशीन है, इसके अंदर रखेंगे, रखने देखिए ये मैं इसके अंदर रख देता हूँ। रखने के बाद इसको ये हम, मैं यहाँ से इसको चालू कर देता हूँ। तो देखिए अब ये मशीन हमारी चालू हो चुकी है, लगभग 30 मिनट तक हमें इसके अंदर रखना है। अब क्या होगा देखिए, 30 मिनट बाद इसका रखने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि इससे लार्वा बाहर ना आए, इसका एम्ब्रियो जो होता है वो किल हो जाए, इसके लिए हम यहाँ रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं
कि इससे ट्राइकोग्रामा बाहर आए, वो कैसे होगा देखिए। तो सबसे पहले इसको रख दिया मैंने, ऑलरेडी एक कार्ड को यूवी ट्रीट करके रख रखा है ताकि आपको दिखा सकूँ। ये कार्ड जो हमने रखा है ये सेम ये कार्ड है, इसको मैंने यूवी ट्रीट किया हुआ है। अब क्या करेंगे देखिए, ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर भी वो जो है एग्स लगे हुए हैं, ठीक है, सेम है कार्ड। अब क्या करेंगे, इस कार्ड को हम एक ऐसी उसके अंदर डालेंगे, ट्यूब के अंदर। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्यूब आप देख सकते हो, इस ट्यूब के अंदर ये जो कार्ड आपको नज़र आ रहा है, ये कार्ड देखिए ब्लैक कलर का है, यानी इसके ऊपर जो एग्स हैं वो ब्लैक हो चुके हैं। ये किसकी वजह से हुए हैं, ये हमारे इंसेक्ट ट्राइकोग्रामा की वजह से होता है। अभी ट्राइकोग्रामा इसके अंदर है लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट जो है इंसेक्ट है, आपको दिखेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे देखिए, ये जैसे ही ये पेरास्ट ये जो देखिए पेरास्टाइज हो चुका है ये कार्ड, क्योंकि इसमें क्या करता है जो ट्राइकोग्रामा हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या करता है, ये जो एग्स होते हैं इनके, इस एग के अंदर अपना एग दे देता है वो। ट्राइकोग्रामा इस कोर्सहरा के अंडे के अंदर अपना अंडा दे देता है, तो उससे क्या होगा, 4-5 दिन बाद धीरे धीरे ये कार्ड जो है ये ब्लैक होने लग जाता है, यानी कि पेरास्टाइज हो जाता है एक तरीके से। फिर क्या होता है, इसमें से इस कार्ड में से ट्राइकोग्रामा बाहर आता है। तो जब ये बाहर आता है, यानी कि अभी इसके अंदर ट्राइकोग्रामा बाहर आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे देखिए, ये पहले से पेरास्टाइज कार्ड है, इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, इस कार्ड के साथ ये हल्के से धीरे से हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो हमारा अभी हमने जो कार्ड तैयार किया है यूवी ट्रीट वाला वो डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से कवर कर देना है ऊपर से, ताकि जो इंसेक्ट है वो बाहर ना आ पाए। देखिए तो इसके अंदर हमने ये कार्ड डाल दिया है। अब क्या होगा, इसमें से ये जो एडल्ट निकल रहे हैं ट्राइकोग्रामा के, वो ये जो व्हाइट वाले एक आपको दिख रहे हैं येलोइश कलर के, इसके अंदर अपना अंडा देंगे और इनको भी क्या कर देंगे, पेरास्टाइज कर देंगे। पेरास्टाइज होने के बाद हम क्या करेंगे देखिए, इस कार्ड को आगे जैसे ये प्रोसीजर पूरा, इसको ग्रोथ करने के लिए आगे भी यूज ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आप इस कार्ड को फ्रिज के अंदर लगभग 7-8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, और ये जो एग्स हमने बात की थी, जो एग प्रोडक्शन किया था, इनको भी हम 5-7 दिन तक अगर आप चाहो तो फ्रिज के अंदर आप इसको सेफ रख सकते हो। अब इसके बाद देखिए, इसको रखेंगे रूम टेम्परेचर या मान लो 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पर रखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक डिवाइस भी रखी हुई है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या ध्यान रहे कितना टेम्परेचर है। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, 5-7 दिन में ये जो एग्स है ये भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेरास्टाइज हो जाएंगे। अब इस कार्ड को फार्मर फील्ड के अंदर लगाता है। फील्ड के अंदर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये तो हम लेबोरेटरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ इनको प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं। अब ये कार्ड जब हम फील्ड में डालेंगे, क्योंकि ये देखिए एक नेचुरल एनिमी है, तो ये क्या करेगा, फील्ड के अंदर भी ये इंसेक्ट जहाँ जहाँ कोर्सायरा या दूसरा इंसेक्ट कोई अंडा देता है, फील्ड के अंदर जब इनमें से इसके अंदर से जब एडल्ट निकलेगा, तो वो फील्ड के अंदर जहाँ उसने एग्स दे रखे हैं उन एग्स के अंदर अपना एग दे देगा। तो अब उसमें से कोर्सायरा या अदर जो होस्ट है उसका एडल्ट नहीं निकलने के बजाय क्या होगा, ये जो हम बात कर रहे हैं ट्राइकोग्रामा की, इसके कीट निकलेंगे। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या होगा, इनकी संख्या फील्ड के अंदर बढ़ती जाती है, और ये नेचुरली क्या करेंगे, वो जो पेस्ट है हमारा उसको मेंटेन करते रहेंगे, यानी कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती रहेगी। तो देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि हमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना पड़ता, पेस्टिसाइड का जो झंझट है वो बच जाता है, उससे जो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है वो नहीं होगा। दूसरा इजी टू यूज़ है, ठीक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ बेनिफिशियल है, किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने देखा होगा ये पूरा जो प्रोसीजर हमने बात की थी ये ट्राइकोग्रामा के बारे में थी, ठीक है, धन्यवाद।